हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जेनेटिक पोर्शन आपका स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने क्रोमोसोम्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए क्या होता है और डीएनए को किसने डिस्कवर किया था। फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं और क्रोमेटिड के अंदर हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो कि डीएनए की थ्रेड होती है। और अगर हम बात करें डीएनए की लोकेशन की, तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर। और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट्स डीएनए क्या होता है? डीएनए एक जेनेटिक मटीरियल होता है जो किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये किसका बना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स का बना होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, वो भी तीन पार्ट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजिनस बेस से, पेंटोज शुगर से एंड फोस्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। क्या? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, वो फर्दर टू टाइप से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक प्यूरीन, एक पिरिमिडीन। प्यूरीन्स जो होते हैं, वो भी टू टाइप से प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और जो पिरिमिडीन्स होते हैं, वो थ्री टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। और जो आपका यूरेसिल होता है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है? आरएनए के अंदर। और जो थाइमीन होता है, वो डीएनए के अंदर। एक डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं? चार नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। ये नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की, तो किस टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है? डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है। और जबकि जो आपका आरएनए होता है, उसके अंदर राइबो शुगर हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोस्फेट ग्रुप की, H3PO4। इसको फोस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है और ये लिंक्ड करता है पेंटोज शुगर से। इसके बाद अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, कौन कौन सी? नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप, तो इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है। अगर सिर्फ दो चीज़ें मिलती हैं, कौन सी? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स दोनों क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की। तो स्टूडेंट्स, वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के बहुत सारे मॉडल्स बनाए, लेकिन इन्होंने फाइनली डीएनए के बारे में जो बताया, वो था डबल हेलिक्स डीएनए। इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, वो डबल हेलिक्स होता है और टू स्ट्रैंड्स से मिलकर बना होता है। और जो ये टू स्ट्रैंड्स होती हैं, वो किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये मैंने भी आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो तीन पार्ट से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर से। तो जो डीएनए होता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन से मिलकर बना होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने ये भी बताया कि जो इसके ये टू स्ट्रैंड्स होते हैं, ये एंटी पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर डीएनए का 5' प्रेजेंट होगा, वहाँ पर उसके सामने जो सेकंड स्ट्रैंड है, उसका 3' प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से जहाँ पर 3 एंड होगा, वहाँ पर उसके सामने 5 एंड होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वॉटसन एंड क्रिक ने, एक साइंटिस्ट थे अरविंद चार्गव, 1940s में उन्होंने एक रूल दिया था। उस रूल को फॉलो करते हुए बताया कि जो प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स होते हैं, वो आपस में पेयर बनाते हैं एक दूसरे के साथ। किस तरीके से पेयर्स बनाते हैं वो? एडेनिन जो है, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है थाइमीन के साथ, और जो ग्वानीन है, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ में। और चार्गव रूल का यूज़ करते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने ये भी बताया कि जो एडेनिन होता है, उसकी जो परसेंटेज होती है, वो इक्वल होती है किसके? थाइमीन के। और जो ग्वानीन होता है, उसकी जो परसेंटेज होती है, वो किसके इक्वल होती है? साइटोसिन के। तो चार्गव रूल का यूज़ करते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने ये भी बताया था कि ये पेयर्स बनाते हैं आपस में, और जो इनकी परसेंटेज होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है,
इसके अलावा वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को और समझने के लिए कुछ और बातें भी बताई, जैसे कि जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं प्यूरीन एंड प्रेमिडीन, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और जो एक टर्न होता है कंप्लीट टर्न होता है वो कितना उस पर होता है 34 एंगस्ट्रॉम पर। और उन्होंने ये भी बताया कि डीएनए जो है वो रोटेट भी हो सकता है, जब डीएनए ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो 360 एंगल पर रोटेट हो सकता है, ये भी इन्होंने बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो स्टूडेंट्स, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल के ज़रिए कुछ और बातें भी हमें बताई, वो क्या कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन को भी शो करता है, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो माइटोसिस फेज में हमें देखने को मिलता है, और डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होता है डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण होता है। और इसी तरीके से कुछ और बात भी उन्होंने हमें बताई कि किस तरीके से न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, प्रोटीन जो है वो कोड बनाते हैं और कोड बनाकर वो हमें शो करते हैं, और उस तरीके से न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और फिर उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने हमें ये भी बताया कि कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर, डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, एडीएनए, बीडीएनए एंड जेडडीएनए, और इनको हम डिटेल में करेंगे, ए डीएनए को, बी डीएनए को और जेड डीएनए को, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।